एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ सिर्फ फाउंडेशन से कैसे करेंगे मेकअप। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेकअप प्रोडक्ट नहीं रखते हैं और फाउंडेशन कोई कोई प्रोडक्ट होता है, तो मैं ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते रहती हूँ। तो सिर्फ फाउंडेशन से आप कैसे करोगे मेकअप, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, वीडियो को भरपूर लाइक कीजिएगा। आप लोग के एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और भी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत लॉन्ग टाइम से मेरे पास फाउंडेशन है और इसके साथ आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी मेरी। तो मैंने इतना सारा फाउंडेशन लिया है, मैंने फेस पे अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा लिया है। उसके बाद आपको प्राइमर लगाना जरूरी है, प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको प्राइमर लगाना ही है। ये देखिए, ये मैंने प्राइमर ले लिया और ये मेरा फाउंडेशन है। तो प्राइमर को आपको अपने नोज के एरिया पे एंड इस तरीके से पूरे फेस पे फैला लेना है। ओके, और फाउंडेशन लगाने का जो सही तरीका है वो इस तरीके से लगाना चाहिए। डायरेक्ट आपको स्पंज पे या ब्रश पे या ब्यूटी ब्लेंडर पे नहीं लगाना है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। फाउंडेशन आप अपने फेस पे तो लगा ही रहे हो, साथ के साथ आपको अपने गर्दन पे भी जरूर लगाना है। तो सिर्फ फाउंडेशन से कैसे करेंगे मेकअप, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गर्दन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड मैं आज ब्लेंड करूंगी इस ब्रश से, कॉम्पैक्ट ब्रश है बट ये बहुत बढ़िया है, इसे फाउंडेशन भी बहुत इजीली आप ब्लेंड कर सकते हो। तो आपके पास ये सिर्फ फाउंडेशन है और आप मेकअप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही इजीली अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ब्रश की मदद से भी। तो इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है ब्रश को राउंड राउंड घुमाते हुए। थोड़ा पास आ जाती ताकि आपको क्लियर दिखे। जब तक आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, कितना भी प्रोडक्ट लगा लो, कितना भी महंगा प्रोडक्ट लगा लो, आपको वो फिनिशिंग लुक नहीं आएगी जो आपको चाहिए। ये देखिए, मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। ओके, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल पास से देख लीजिए। तो अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर है तो वो लगा दो, नहीं है तो आप कोई सा भी पाउडर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूँगी तो आपको इस तरीके से आपने लगा लिया, लेकिन अभी इसको सेट नहीं करना। सबसे पहले हम लोग ये वाला लिपस्टिक ले रहे हैं, ये 5 से 10 रुपये में आपको मिल जाएगा ब्लशर के लिए। दिखने में ग्रीन है बट इसको लगाओगे तो ये पिंक सा लुक देता है। क्योंकि ये मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो ब्लश व्लस होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा सा हम लोग अपने आईज पे भी लगाएंगे और इसी को हमने लिप्स पे भी लगा लिया है। तो लिपस्टिक हमारा हो गया, इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा आपका ब्लश यहाँ पे रेडी हो गया। थोड़ा थोड़ा हमने आईज पे भी लगा लिया है एंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से ब्लश हमारा लग के रेडी हो गया यहाँ पे। तो लग रहा है नेचुरली ब्लश, वाओ। अब आपको इसको सेट करने के लिए बेबी जॉनसन पाउडर ले रही हूँ मैं। तो मेकअप अच्छे से इससे सेट हो जाएगा और बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। वाओ, तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। अब इसके बाद मैंने अपना आईब्रो फिल किया। आईब्रो फिल करके हम लोग अपना काजल लगाएंगे, लाइनर लगाएंगे और बस फिर अपना मेकअप कंप्लीट कर देंगे। आईब्रो फिलिंग की डिटेल वीडियो अपलोड है,
कभी भी आईब्रो पेंसिल को बहुत डार्क नहीं लगानी होती है, बस आपको अपना शेप देना होता है और उसके बाद इसको मिक्स कर देना होता है। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। अब मैं काजल अप्लाई करूंगी, लैक्मे आइकॉनिक का काजल है ये। काजल अप्लाई करने के लिए हमेशा इस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो आपका काजल जो है वो फैल सकता है। और काजल को कभी बस पतला सा नहीं लगाना चाहिए, इस तरीके से लगाओ तो वो बहुत अच्छा लुक आता है। और लो पे तो लगा लिया, लो आउटलाइन पे अपर पे भी जरूर लगाइए काजल। और एक और टिप्स बताने वाली जिससे कि आपका काजल फैलेगा नहीं। ओके तो आपने काजल लगा लिया बट काजल आपका फैल जाता है, तो आपको लेना है दोबारा से जो भी आप पाउडर यूज करते हो और काजल के जस्ट नीचे इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। इससे आपका काजल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो बिल्कुल नेचुरल मेकअप बताया है मैंने। आप घर पे रह रहे हो या फिर नॉर्मली कहीं जाना है तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से पाउडर फिंगर में लेके नीचे नीचे इस तरीके से अप्लाई कर दो। हम लोग ऐसा बच्चों के साथ करते थे छोटे छोटे में, ताकि बच्चों का काजल ना फैले, और उसके बाद इसको मिक्स कर दो। अब जो आपका काजल है वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो मेकअप मेरा डन हो गया, कैसा लग रहा है आपको मेकअप लुक? बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है एंड बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी थुपा थुपा नहीं लगेगा, बहुत ही लाइट वेट मेकअप होगा और बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद अपनी बिंदी लगा लो और आपका मेकअप जो है वो डन हो गया। नेल्स में चला गया है बिंदी। तो ये है फाइनल लुक। तो आप भी सिर्फ फाउंडेशन से कर सकते हो मेकअप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी और मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और किसने किसने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा। आप इसके साथ मस्कारा भी ऐड कर सकते हो बट मैं नहीं लगा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो लेके। बहुत ही ईजी वे में मेकअप सीखना है, करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लव यू ऑल।